डोसा बनाने वाले हैं जो चावल से बनता है। इसके लिए मैंने एक कप जितना ये खिचड़ी का चावल आता है ना, थोड़ा मोटा दाना रहता है इसका, वो मैंने यूज़ किया है। आप हो सके तो यही यूज़ कीजिए, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो बासमती चावल वगैरह जो रहता है ना, उससे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं ये इसे एक बाउल में ले लूँगी और इसे हम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमें इसे भिगो के रखना है 5 से 6 घंटे तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीर डोसा जो बनाना है ना वो बहुत मुश्किल है, इजीली बनता नहीं है, टूट जाता है, तवे से निकलता नहीं है, चिपक जाता है। तो ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको वीडियो में बीच बीच में थोड़ी सी जो ट्रिक्स है, टिप्स है, वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने चावल को 5 से 6 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। जब तक ऐसे साफ पानी ना आ जाए ना, तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम इसे ढक के 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 5 to 6 hours जो है ना वो मिनिमम है, उससे रिजल्ट अच्छा आएगा। 6 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे जो है ना अच्छे से सोक हो गए हैं। अब ये हम पानी निकाल देंगे, फ्रेश पानी लेंगे और हम इसमें ना आधा कप जितना या आधे कप से थोड़ा कम नारियल डालेंगे पीसने के टाइम पे। ये मैंने चावल ले लिया है मिक्सी जार में, अब मैं इसमें नारियल डाल देती हूँ। अब हम इसे पीस लेंगे। मिक्सर तो हमारा पीस के रेडी है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं बाउल में मिक्सर डाल रही हूँ तो कहीं कहीं पे नारियल जो है ना वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है। वो मैंने जानबूझ के कट करके डाला था आपको दिखाने के लिए। अब जब भी नारियल डालें ना तो पहले नारियल को एक बार घुमा ले या फिर ग्रेट करके डालिए, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। मिक्सर ग्राइंड करते समय ना मैंने 1 कप पानी यूज़ किया था, अब हम इसमें और 2 कप पानी डालेंगे। तो नीर डोसा का बैटर तो हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, 1 कप चावल में हमने 3 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये देखिए हमारा बैटर तो रेडी हो गया है, मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह से बैटर होना चाहिए, 1 कप चावल, 1/2 कप नारियल और 3 कप पानी। तो चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। नीर डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है और हमें चाहिए होगा ये प्याज। प्याज को हम देखिए इस तरह से ना बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको प्याज को बीच में से कट करना है। अभी हमने जो प्याज को कट किया ना, अभी यहाँ पे हम एक काटा चम्मच लेंगे, ये देखिए, और मैं इसमें ना फंसा देती हूँ इसको थोड़ा सा दबा के। ये देखिए मैंने यहाँ पे आयरन तवा लिया है, आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और तवे को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाए, हमने जो ये ऑयल लिया है ना और वो 1/2 कट अनियन लिया है ना, अनियन को हम ऑयल में डीप करेंगे इस तरह से और तवे पे घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें तवे को ग्रीस करना है। ऐसा करने से ना आपका तवा जो है वो नॉनस्टिक के जैसा काम करेगा। तवे को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें 1 चम्मच की हेल्प से बैटर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें डालना है। ध्यान रहे कि आप जब भी बैटर डाल रहे हैं ना तो तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए। अब हम इसे ढक्कन लगा के 12 से 15 सेकंड तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। 12 सेकंड हो चुके हैं, ये देखिए अभी सेम टाइम तक हम 12 से 15 सेकंड तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो हमारा डोसा तो बन के रेडी है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा जालीदार बन के रेडी हुआ है, ब्यूटीफुल। अब मैं इसे वायर रैक पे निकाल देती हूँ। ध्यान रहे आप वायर रैक पे ही निकालिएगा, डायरेक्ट प्लेट में मत रखिए। इसी तरह हम सारे डोसा बना के रेडी कर लेंगे। हमें जितनी बार बनाना है ना, मतलब जितनी बार हमको बैटर तवे में डालना है, उतनी बार हमें इस तरह से अनियन घुमाना है ऑयल में डीप करके। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम बैटर डालेंगे और डोसा बनाते जाएंगे। ये देखिए डोसा जैसे ही रेडी होता है ना, इस तरह से ये साइड्स छोड़ने लगता है।
ये देखिए हमारे सारे डोसा तो बन के रेडी है। एक कप चावल में से मैंने कुछ 17 जैसे डोसा बनाए हैं। चलो अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए हमारे नीर डोसा तो बन के रेडी है। ये ना बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। आज हम इसे सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ। आप हमारी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।